फ्रेंड्स, माय नेम इज वेदिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल eVidyarthi.in। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम सीखेंगे फ्रेजेस के बारे में। एंड कौन से फ्रेजेस के बारे में बात करूंगी आज? फ्रेंडली कन्वर्सेशन फ्रेजेस, जो आप डेली अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव के साथ डिस्कस करते हुए, बातें करते हुए यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट फ्रेज कौन सा है। सो हमारा फर्स्ट फ्रेज है गुड कॉल, गुड कॉल। अब प्लीज, ये फोन वाले कॉल के बारे में बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ गुड डिसीजन के बारे में, सही फैसला। डिसीजन, डिसीजन का आपको पता होगा क्या है ट्रांसलेशन इन हिंदी? फैसला। तो सही फैसला लेना, तो हम कह सकते हैं ये खाना बहुत ही टेस्टी था एंड इस खाने को ऑर्डर करके मैंने बहुत ही सही डिसीजन लिया। Ordering this food was definitely my good call. It was really delicious. It was really yummy. All right. So, चलिए हम next phrase की तरफ आगे बढ़ते हैं। Take your pick. Take your pick. Friends, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास दो से तीन या maybe ज़्यादा choices हैं, बहुत सारी options हैं और उसमें से हमें एक choose करना है। तो हम कह सकते हैं कि different ice creams. Chocolate, different flavors of ice creams, chocolate, vanilla, strawberry, blueberry and many more. And आपको उसमें से एक उठानी है, एक choose करनी है. So we have 45 flavors of ice creams, chocolate, vanilla, strawberry, blueberry and many more. You have to take your own pick. So आप अपना pick, अपना favorite flavor जो है उसे उठाएंगे. Okay? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं friends. Third हमारा है make yourself at ये तो बहुत ही कॉमन फ्रेज है जो आपने सुना होगा शायद, मेक योर सेल्फ एट होम। होम मतलब घर, राइट? तो हम यहाँ पे क्या इसका मीनिंग है, किसी और के घर में जाके अपना घर जैसा फील करना, ठीक है? किसी और के घर पे जाके घर जैसा ही, अपने घर के जैसा ही महसूस करना, फील करना। ओके, तो आप कह सकते हो कि मेरे दोस्त ने, मैंने अपने दोस्तों को अपने घर पर इनवाइट करा एंड मैंने उनको कहा कि मेक योरसेल्फ एट होम, कंफर्टेबल कर लो अपने आप को, अपने ही घर की तरह समझिए अपने इस घर को भी। तो यू कैन से इट, आई इनवाइटेड माय फ्रेंड्स फॉर अ मूवी नाइट एंड आई सेड देम मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल एज योर होम, मेक योरसेल्फ एट होम, अपने आप को कंफर्टेबल कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू हैव गॉट इट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फ्रेज। It's a small world. World है जो कि बहुत छोटा है, तो इसका मीनिंग क्या है, बहुत ही छोटी सी दुनिया। ये भी आप अच्छे से जानते होंगे और आपने, आई एम श्योर आपने ये सुना भी होगा, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, बहुत ही छोटी सी दुनिया है। कोई भी कहीं पे भी मिल जाता है, चीजें सिमिलर हो जाती हैं लोगों के साथ। तो मैं एक बोलती हूँ, मेरी इंग्लिश टीचर मेरे फ्रेंड की आंटी है एंड Wow, it's a small world. कितना छोटी दुनिया है ये. Wow, my English teacher is your aunt. Wow, it's a small world indeed. बहुत ही छोटी दुनिया है. जो दुनिया गोल है and it is very small. तो चलिए, let's see हमारा next phrase कौन सा है friends. Join the club. Join the club. Friends, इसमें please mistake मत करना. किसी club को join हमें नहीं करना है. इसका मतलब ये है, दो लोग हैं किसी सेम सिचुएशन में फंसे हुए हैं या किसी सेम सिचुएशन को ही फेस कर रहे हैं, ठीक है? तो आप कह सकते हो, मैं भी तुम्हारी तरह बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, तो चलिए लेट्स ज्वाइन द सेम क्लब। तो हम वही बोल सकते हैं, आई एम फेसिंग द सेम बैड सिचुएशन एज यू आर, सो लेट्स ज्वाइन द क्लब, ठीक है? तो दो लोग जब एक ही सिचुएशन में फंसे हो या फेस कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज जॉइन द क्लब, एक ही सिचुएशन में, ठीक है? चलिए हम हमारे लास्ट फ्रेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। जस्ट माय लक, लक मतलब लकी होना, खुशकिस्मत होना, बट यहाँ पे इसका मीनिंग वो नहीं है, यहाँ पे इसका मीनिंग है बैड लक और अनलकी होना। तो हम जब आजमाते हैं कि शायद मेरा लक चलेगा नहीं चलेगा, बैड, बट कोइंसिडेंटली वो बैड लक निकल आता है, तो हम इसमें यूज कर सकते हैं हमारा सेंटेंस, जैसे कि हम बोल सकते हैं उन्होंने लास्ट टिकट कुछ समय पहले ही सेल कर दी, मेरे पहुंचने से कुछ समय पहले ही सेल कर दी
and that was my luck, just my bad luck. They have sold the last ticket few minutes before I reached there, and it was just my luck. And वो मेरा bad luck था. Friends, ये phrases बहुत ही commonly हम use करते हैं और मैं चाहती हूँ कि ये आप भी use करें. And अगर आपको कोई भी problem आ रही है, कोई भी confusion है, कोई भी doubt है, please comment section में जाके जरूर comment करिए. And मैं आपके answer, आपके question का answer जरूर दूंगी. Okay friends, तो चलिए आज का session हम यहीं पे खत्म करते हैं. And I will definitely see you with my next lesson in the next video. Till then, bye.